असलम। आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि आप फ्री में RDP किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, चूँकि मतलब RDP जो है वो उनसे क्रिएट नहीं हो पाती, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। सही है, इससे आप सेम RDP वाला काम जो है वो उसे ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि सैन अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। शायद इसके बारे में आपको पहले से पता हो, लेकिन इससे आप जो है RDP का काम जो है वो ईज़िली कर ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये कौन सी वेबसाइट है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है, इसको आपने सिंपल से डाउनलोड करना है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वेबसाइट को ऐसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप मोबाइल के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास जो है गूगल प्ले स्टोर पे ये मौजूद है, आप मोबाइल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप इज़िली इसको मोबाइल अपने मोबाइल से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, और यहाँ पे भी एक बटन है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी। सही है, प्रोसेस जो है वो सेम है। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे डाउनलोड के फोल्डर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर किधर आ, ये रहा ऐप। जो सिंपल से यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से ओपन हो के आ जाएगा। इससे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देना है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 7 दिन के लिए फ्री में ट्रायल देगा, लेकिन आपके अगर आपके पास जो है इतनी अकाउंट्स नहीं है तो आप टेम्प मेल का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड अकाउंट जो है बना सकते हैं। अब सबसे पहले इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने काम किस तरीके से करना है, RDP वाला काम आप इस तरीके ऐसे किस तरीके से ले सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्रोफाइल है, सही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपने प्रोफाइल का नाम देना है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडो है, मैकबुक है और लिनक्स है, एंड्रॉयड है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एंड्रॉयड को ही ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लिनक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोक्सी पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास प्रोक्सी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर प्रोक्सी नहीं है तो आप इसकी प्रोक्सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे टूर नेटवर्क है और फ्री प्रोक्सी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री जो है यहाँ पे आ चुका है, तो आपने यहाँ पे सिंपल सी कंट्री पे क्लिक करना है। या से आप कंट्री यूनाइटेड स्टेट, कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इंडिया वगैरह की जो है प्रोक्सीज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइम जोन पे क्लिक करना है, तो उसको आपने यहाँ पे नहीं चलना, सही है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेब RTC है, तो उसको भी आपने यहाँ पर नहीं चलना। यहाँ पर जियो लोकेशन है, उसको आपने ऐसे ब्लॉक कर देना है, सही है। जियो लोकेशन को आपने ऐसे ब्लॉक कर देना है, इसको मैं ऐसे अलाउ कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आपने ब्लॉक कर देना है, सही है इसको। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, तो चलो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद में यहाँ पे हमारे प्रोफाइल जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्रॉक्सी US का मैंने यूज़ किया था। अब उसके बाद यहाँ पर आपने रन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया टैब यहाँ पर ओपन हो के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल वाला डेस्कटॉप जो है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे मैं IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब सर्च करते ही यहाँ पे हमारे सामने जो है वो रिज़ल्ट आएगा
यहाँ पे कौन से प्रॉक्सी का जो है मैंने यहाँ पे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का है और 90% के करीब जो है हमारा कनेक्शन यहाँ पे सिक्योर है, सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना वॉच टाइम वगैरह जो है इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अनलिमिटेड ब्राउज़र जो है वो यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि आपने दोबारा से क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपका एक और प्रोफाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा, आपने उसी को भी रन करना है। इस तरीके से करते करते आपने तकरीबन 50 के करीब जो है इस तरह की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना है, उसके बाद आप अपना वॉच टाइम जो है वो इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद की जरूरत में चल लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।